अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ और रात 11 बजे से रामीन ने फरमाइश की थी अपने बाबा से कि मैंने हॉट विंग्स खाने हैं, तो मैंने साथ अपने लिए चीज़ फार्मा मंगवा लिया था। इनके बाबा अपने लिए मिंट मार्केट लेके आए थे, जैसे उन्होंने ख़त्म की तो मैंने इसमें ना मिंट मार्केट वाले कप में ना वो डाली कोल्ड ड्रिंक, तो साथ ही मुझे दोनों का टेस्ट आ जा रहा था, लेकिन अच्छी लग रही थी। लेकिन ना इनको आते आती थी देर होगी, तो जब भी घर आए ना बच्चे तीनों ही सो चुके थे, तो फिर मैंने रामीन को उठाया ही नहीं कि ना चलो सुबह उठ के खा लेगी। लेकिन वो सुबह उठी तो सबसे पहले उसने ना हॉट ड्रिंक्स ही खाया, नाश्ता नहीं किया। तो खैर मैंने ना उसको घंटे डेढ़ घंटे बाद रोटी खिला दी थी क्योंकि वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीती। तो यहाँ मैं मिर्हा का ना दूध डाल रही हूँ डब्बे में, तो आपके मेरे पास बैठा ना वो कैमरा देखे खुश हो रहा था कि फीड नज़र आ रहा है, तो मुझसे कैंची मांग रहा था। उसने कैंची से ना फिर वो सारे कागज़ के पीसेस करके ना पूरे घर में बिखेरने होते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने की चाट। उसके लिए मैंने 50 रुपए की इमली लिया है और इमली को मैंने 2 कप पानी में 5 से 6 घंटे के लिए ना भिगो के रखी रखा था। अब मैं इसको पकाने लगी हूँ। आपने इस इमली को ना चम्मच के साथ या हाथ के साथ अच्छे से सेपरेट कर लेना है, तो ताकि ना ये पानी में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो उसके बाद आपने इसकी ना चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो या लो से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड किया और 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया और तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ना दलिया मिर्च ऐड किया। आज मैंने स्पाइसेस थोड़े से तेज़ रखे हैं क्योंकि बच्चों ने नहीं खाना, रामीन और आकिब तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते, वरना मैं ना स्पाइसेस कम ही रखती हूँ बच्चों की वजह से। तो इस बार मैंने स्पाइसेस थोड़े से तीखे रखे हैं क्योंकि फीकी वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती चाट। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए ना पकाया है और इसकी कंसिस्टेंसी आपने थोड़ी सी थिक रखनी है। इसको बिल्कुल लो या मीडियम फ्लेम पे आप इसमें पकाना। अगर आप इसकी फ्लेम तेज़ कर देना चूल्हे की तो भी ये बड़ी जल्दी से खुश्क हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी ना अच्छी नहीं रहेगी। तो इसको आपने कोशिश करनी है ना कि मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। ज़्यादा आपने इसको खुश्क भी नहीं कर लेना और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब मिड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ना इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस शेप में रखी है और इसको मैं किसी भी सटरने के साथ छान लूँगी। आपने ना मतलब छानने के बाद हाथ से अच्छे से इसको निचोड़ लेना ताकि इसका ना सारा पल्प ना बाहर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त इमली का पानी बना था, टेस्ट भी इतना अच्छा था, स्पाइसेस बिल्कुल एग्जैक्ट थे, मतलब बहुत ही लो भी नहीं थे, बहुत तेज़ भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बाउल चने का लिया था। चने के साथ आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि मैंने इनको ना पानी में भिगो के ना धूप में सेहल में रख दिया। तो मैं थोड़ी देर मिर्हा के पास बैठ गई, जब मैं बाहर गई ना आखिर फ्रामी ने यकीन करें हमारा सेहन आप लोगों ने देखा होगा ना कितना बड़ा, पूरे सेहन में चने और 2nd फ्लोर के टेरेस तक और सारी स्टेयर्स चनों से भरी पड़ी थी। तो ना इस पहले मेरा प्लान कैंसिल हो गया था कि ना अब चने तो है ही नहीं है, लेकिन खैर दिल कर रहा था, मैंने सोचा चलो इतने चने के साथ गुजारा कर लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैंने 5 से 6 अदर आलू लिए थे, आलू फिर मैंने ज़्यादा कर लिए थे, मैंने कहा चने तो कम है, और 2 अदर मैंने टमाटर ऐड किए हैं, 3 अदर मैंने इसमें प्याज कट करके ऐड किया है, और अब मैंने इसमें इमली का पानी ऐड कर दिया जो कि बहुत ही मज़े का बना था। अब मैं इसमें स्पाइसिस ऐड करूँगी, स्पाइसिस इसमें भी मैंने तकरीबन ठीक ही रखे हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और इसी तरह दलिया मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब अपने टेस्ट के ना अकॉर्डिंग आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था, दलिया मिर्च भी मैंने कम ही ऐड की थी क्योंकि मैंने इमली के पानी में ना तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड कर दी, थोड़ी सी तीखी होती है। बस 2 चीज़ों की कमी रह गई थी, 1 लेमन और ऊपर से पापड़ी। लेस का मेरा था कि ना वो शॉप से मंगवा लेती हूँ, लेकिन शॉप से लेस भी नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने गुजारा कर लिया। लेकिन ये 2 चीज़ें ना फिर उससे भी ज़्यादा अच्छे की बनती है, यकीन करें इतनी मज़े की चाट बनती है, मेरे घर में सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की।
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइए कि आप लोगों के इसके से कैसी बनी है ये। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।